Hey guys, Comic Quest के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो ऐसे मान लो कि आपके 8-10 दोस्त हैं जिनको आप एकदम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो और उन्हीं के साथ अपनी सारी चीजें शेयर करते हो और आपके लिए उनके अलावा और कोई दोस्त ही नहीं है। लेकिन अचानक आपको पता लगे कि उन 8-10 दोस्तों में से 3-4 दोस्तों ने अपना अलग ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे भी और जिंदगी में भी। आपको ये पता लगे कि आपके दिल अजीज क्रश के बारे में आपने जिन 8-10 लोगों से बात करी थी उनमें से 4-5 लोग अपने क्रश के बारे में आपस में बात कर रहे और आपको नहीं बता रहे। सांप को पाल रहा था तो कैसा लगेगा? तो मार्वल का इल्यूमिनाटी एक वैसा ही ग्रुप है जिसमें हमारे लोकप्रिय सुपर हीरोज जो एक बड़ी टीम में एग्जिस्ट करते हैं उसकी भी छोटी सी टीम बनी हुई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो कॉमिक वर्ल्ड से मैं हूं मोहित और आज मैं आप सबको इल्यूमिनाटीज की ABCD से लेकर XYZ तक सब कुछ बताने वाला हूं। तो अगर शुरुआत ही कॉमिक बुक की 11 वर्षा से की जाए तो इल्यूमिनाटीज जिनको हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने वाले हैं वो मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट रहे हैं। ये एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स के अलग अलग कम्युनिटीज के जो सुपर हीरोज है उनको मिला करके बनी हुई एक टीम है जो थिंक टैंक की तरह एक्ट करती है। मतलब जो बड़े बड़े क्राइसिस आते हैं उनके बारे में ये लोग पहले से ही सोच करके उनको रोकने के लिए जितनी भी जुगाड़ और तिकड़म भिड़ाई जा सकती है वो सब भिड़ा लेते हैं एंड किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। इस पूरी टीम में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक एक मेंबर कम्युनिटी के एक एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल टोनी स्टार्क जो इसका सबसे पहला मेंबर है वो एवेंजर्स को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है लेकिन इसके साथ ही साथ सुपर ह्यूमन ना होने की वजह से ये इंसानों को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है और ये इस ग्रुप का एक ऐसा पार्ट है जो गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए भी प्रोएक्टिव है। फिर इसके बाद इस ग्रुप के दूसरे मेंबर है मिस्टर रीड रिचर्ड जो फैंटास्टिक फोर को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े जीनियस है, मतलब जैसे क्लास में टॉपर ऑपर लोग होते हैं ना, तो बस ये इनका उतना ही जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट है तो इसीलिए ये एक सॉर्ट ऑफ सुपर ह्यूमन जीनियस वाली चीज को इस ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर जो एक्समैन के लीडर होने के नाते म्यूटेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ ही साथ इनके पास ऐसे दिमाग के टेलीपैथी वाली पावर्स है ना, वो इस ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से काम आती है। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं नामोर भैया जिनको हम लोगों ने अभी तक एमसीयू में तो नहीं देखा लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन टाइप के सुपर हीरो है और मुझे बहुत पसंद है। तो नामोर जो है वो एक्चुअली में अटलांटिस का किंग होने की वजह से अटलांटियंस को रिप्रेजेंट करता है और ये एक सॉर्ट ऑफ एंटी हीरो टाइप की चीज को लेके आता है इस पूरे ग्रुप में। फिर इसके बाद हमारे पांचवे मेंबर हैं डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ सुपर नेचुरल और मिस्टिक एंड जादू मंत्र वाली चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रुप में। इसके बाद जो सिक्स्थ मेंबर है वो है ब्लैक बोल्ट एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्लैक बोल्ट के बारे में नहीं सुना होगा। तो ब्लैक बोल्ट बेसिकली इन ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है जो मार्वल कॉमिक्स में म्यूटेंट्स की तरह ही एक और छोटा सा ग्रुप है। इनको अपनी सारी पावर टेरिजिन मिस्ट की वजह से मिली थी लेकिन वो चीज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनह्यूमंस बेसिकली मून पे रहते हैं और वो भी म्यूटेंट्स की तरह अपना खुद का एक क्लोज ऐसे ग्रुप बना के रहना पसंद करते हैं। और अगर आप इन 6 मेंबर्स को उठा के देखोगे एक एक करके तो ये सब के सब जो है इस पूरे ग्रुप में कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करते हैं जो अर्थ पर आने वाले क्राइसिस के टाइम पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो जितना ज्ञान इल्यूमिनाटीज रखते हैं उतने ही स्किलफुल आप भी हो सकते हो कुकू FM पे ऑडियो बुक सुनकर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी है, 4.5 से ज्यादा रेटिंग और इसका सबसे बेस्ट पार्ट नॉन फिक्शन कंटेंट जो हम सबको पसंद होता है उसकी एक ह्यूज लाइब्रेरी जिसमें आपको मोटिवेशन, बायोग्राफीज और साइंस से रिलेटेड कई सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। और इस होली कुकू FM आपके लिए लाया है एक बहुत ही कलरफुल सा कलेक्शन जो आपके नॉलेज और स्किल्स को और भी ज्यादा एनहांस करेगा। फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ दिन से मैं इस पे स्टीफन किंग की ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस की समरी सुन रहा था और इसने मेरे लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स में हेल्प करी। एंड ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ की सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट 399 रुपीज है लेकिन क्योंकि इस वीडियो को कुकू FM ने स्पॉन्सर किया है तो आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप मेरा कोड होली50 यूज करके इस पे 50% का ऑफ पा सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखना ये सेल और कूपन कोड सिर्फ 20 मार्च तक वैलिड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो होली के रंग कुकू FM के संग। ओके, तो कमिंग बैक, अगर हम लोग हमारी इल्यूमिनाटी वाली कन्वर्सेशन को आगे लेके जाए तो मार्वल कॉमिक्स में इन सारे के सारे सुपर हीरोज का मिलन क्री स्क्रल वॉर नाम के एक बहुत बड़े इवेंट के बाद हुआ था जिसमें क्री और स्क्रल आपस में लड़ाई तो करते हैं लेकिन उस लड़ाई के लिए अर्थ को चुन लेते हैं, मतलब अर्थ पे आके लड़ते हैं।
क्यों भाई, तुम्हारे गांव में पानी नहीं आता क्या? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो कुल मिलाके इस पूरा वॉर एंड होने के बाद इन सब लोगों को रियलाइज होता है कि इनके पास इस वॉर को लेकर कुछ कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, और अगर ये लोग मिलकर एक साथ काम करते तो इस पूरे इवेंट को अवॉइड कर सकते थे। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये लोग एक पूरी टीम बनाते हैं जिसमें लोग ब्लैक पैंथर को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जो काम वो लोग कर रहे हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया उनसे वैसे ही बहुत ज्यादा डरती है ये सोचकर कि क्या होगा अगर अचानक एक दिन ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले लें तो। और ये लोग ऑलरेडी उस चीज के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे में नैमोर यहां पे कहता है कि काम करते हैं, इस पूरे ग्रुप को खुफिया कर लेते हैं, मतलब किसी को भी इस ग्रुप के बारे में खबर नहीं हो कि ये लोग कब मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो इसीलिए तब से लेकर आज तक इल्यूमिनाटीज का जो ग्रुप है उसके बारे में बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है। इनफैक्ट सुपर हीरो कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, और इनकी मीटिंग्स कहां होती है, कैसे होती है, तो किसी को कानों कान खबर नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम लोग इल्यूमिनाटीज के कुछ कर्म कांडों के बारे में बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जब ये लोग मिलते हैं और अपना ग्रुप बनाते हैं तो डिसाइड करते हैं कि जो क्रीज स्क्रल वॉर हुआ था ना, तो एक काम करते हैं, पहले स्क्रल्स के प्लैनेट पे चल के उनको चमका के आते हैं। स्क्रल्स के प्लैनेट पे पहुंचने के बाद वो लोग इनको देखते हैं, 2 मिनट इनके ऊपर हंसते हैं और फिर इनको पकड़ लेते हैं और वहीं बंदी बना के रख लेते हैं। तब जाके इनको रियलाइज होता है कि इनके प्लान्स में अभी कितने बड़े बड़े फ्लॉज हैं, इनको बैठ करके सोचना है और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो स्क्रल्स से जैसे तैसे ये लोग बच तो लेते हैं, लेकिन उस बीच स्क्रल्स इनके पूरे खून वून के सैंपल निकाल करके उनको एनालाइज कर लेते हैं और आगे जाकर सीक्रेट इन्वेजन में वो इसी पूरी रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद सीक्रेट वॉर नाम की एक स्टोरी लाइन चली थी, ये मैं दूसरे सीक्रेट वॉर की बात कर रहा हूं, जो कॉमिक वर्स पे मैंने सीक्रेट वॉर कवर किया उसकी नहीं। इससे पहले एक बहुत ही सस्ता वाला सीक्रेट वॉर प्लान किया गया था ताकि मार्वल कॉमिक्स वाले अपने खिलौने विलौने बेच सके। तो उस सीक्रेट वॉर में क्या होता है कि बियॉन्डर नाम की बहुत ही पावरफुल एंटिटी अर्थ पे से जितने भी सुपर हीरोज हैं उनको और जितने भी पावरफुल सुपर विलन्स हैं उन सबको उठाती है और कहता है लड़ो मारो, जो बारा है उसको पनीर मिलेगा। तो इस पूरी सीक्रेट वॉर वाले इवेंट के टाइम पर भी कुछ इल्यूमिनाटीज यहाँ पर थे जिन्होंने इस इवेंट को रोकने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से फेल हुए। फिर उसके बाद इनका एक बहुत ही बड़ा रोल आता है इनकर्जन्स वाले इवेंट के टाइम पर। अब मार्वल कॉमिक्स में राइटर्स ने सोचा कि काम करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत चल लिया, अब रिबूट कर लेते हैं। तो उन्होंने इनकर्जन्स नाम का एक इवेंट प्लान किया जिसमें जितने भी मल्टीवर्स की अर्थ वो एक दूसरे से आकर टकरा रही हैं और ऐसे करके पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जब इल्यूमिनाटीज को इस पूरे कांड की खबर लगती है तो वो क्या करते हैं कि इन लोगों ने कुछ टाइम पहले इंफिनिटी स्टोन्स इकट्ठा किए थे और उनको एक दूसरे का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, जो हमारे बैंगू भैया कर लेते हैं, मगर ये लोग कॉमिक बुक्स में ऐसा नहीं कर पाते। तो ये सोचते हैं कि ठीक है, अब इंफिनिटी स्टोन्स इकट्ठा कर लिए तो एक काम करते हैं, इनको आपस में बांट के रख लेते हैं। तो जब इनको इनकर्जन्स के बारे में पता लगता है तो इंफिनिटी गॉन्टलेट में सारे के सारे इंफिनिटी स्टोन्स लगाते हैं, कैप्टन अमेरिका को इंफिनिटी गॉन्टलेट पहनाते हैं और उसी का इस्तेमाल करके ये दूसरी अर्थ को पुश करने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में जो दूसरी अर्थ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस गॉन्टलेट में लगे हुए 5 इंफिनिटी स्टोन्स भी, सिर्फ एक टाइम स्टोन बचता है जो भगवान जाने कहां गायब हो जाता है। तो इस पूरे मैटर से शर्मिंदा होकर कप्तान साहब कहते हैं मैंने पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया, अब ये काम मेरे से नहीं होगा और हम सबको रुक जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा भाइयों। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन ने इस चीज का पहले ही प्लान किया हुआ था, वो एक स्पेल का इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका की याददाश्त भुला देते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि ये ग्रुप कितना डेंजर है, आपके दोस्त तो हैं लेकिन कभी भी छुरा भोंक देंगे आपकी पीठ में। और बता रहा हूँ यहाँ पर इनके कर्मकांड खत्म नहीं होते, इन महारथियों ने हल्क की रैम्पेज से परेशान होकर उसे एक स्पेसशिप में बिठाया और दूर कहीं स्पेस में शूट कर दिया, बहुत दूर। लेकिन अफसोस जहां ये हल्क को भेजना चाहते थे वहां वो पहुंचे नहीं, वो जा गिरे सकार पे, अपनी एक नई लाइफ बना ली। और जब वो भैया वहां अच्छे से सेटल डाउन हो गए तो ये स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से हल्क की वाइफ और उसके बच्चे मारे गए। और दो बाद में आगे जाके पता लगता है कि उसके बच्चे मरते नहीं है, भयंकर पावरफुल कैरेक्टर्स बन जाते हैं वो भी, लेकिन वो किसी और दिन की कहानी है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हल्क इस चीज से इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो अर्थ पे आता है और एक एक इल्यूमिनाटी को चुन चुन के मारना शुरू कर देता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर हल्क, जो अफसोस हम लोग शायद एमसीयू में कभी भी नहीं देख पाएंगे, देख भी सकते हैं, हू नोस मार्वल वाले कब कौन सी मिठाई खिला दे हमको क्या पता। और जो कुछ देर पहले मैंने इनकर्जन्स वाली कहानी बताई थी ना, हाँ, तो उसके बाद भी ये सारे के सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डॉक्टर डूम अपनी शक्ति और दिमाग का इस्तेमाल करके एक नया वर्ल्ड बनाता है, मतलब एक नई अर्थ जिसमें उसने मल्टीवर्स के अलग अलग पार्ट जोड़ करके बनाए थे और उसने कुछ सिलेक्टिव लोगों को बचा करके इस दुनिया में रखा था, एंड वो इस वर्ल्ड का गॉड था।
लिटरल गॉड। अब मैं इल्यूमिनाटी की कहानी में उसको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इल्यूमिनाटीज का ही रोल होता है उसको रोकने में। ब्लैक पैंथर, नेमोर, डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक मिल करके उसे रोकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इल्यूमिनाटीज और इनके कांड वांड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो इल्यूमिनाटीज आने वाले हैं उनकी बात ना करें तो फिर वीडियो कंप्लीट कैसे हो सकता है ना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें इसी इल्यूमिनाटीज का एक ऑल्टरनेट वाला वर्जन देखने को मिलेगा जो एक दूसरी अर्थ पे तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ इसके जितने भी कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज हैं उनको देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि ये वाला ग्रुप भी कॉमिक बुक वाले इल्यूमिनाटीज जैसा डेंजर होगा, क्योंकि प्रोबेबली ये लोग भी अपनी अर्थ को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक चले जाएंगे। और अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो देखो टॉम क्रूज का आयरन मैन जो सुपीरियर आयरन मैन होगा वो ऑलमोस्ट कंफर्म है। हालांकि सर पैट्रिक स्टीवर्ट एंड्रू गारफील्ड की कक्षा में ही पढ़ रहे हों और मना कर दें, लेकिन हमको पता है कि आवाज तो नहीं की थी, हालांकि बाद में खुद भी कंफर्म कर लिया। तो सुपीरियर आयरन मैन हो गया, प्रोफेसर एक्सेवियर हो गया, उसके बाद प्रोबेबली कैप्टन मार्वल भी है जो मारिया रैम्बो है या मोनिका रैम्बो दोनों में से कोई एक होगी। इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब भी होंगे जो शायद अपने आप को सैक्रिफाइस कर चुके हैं तभी उनकी स्टैच्यू बनी हुई है तो उसकी जगह ले ली है बैरन मॉर्डो ने। इसके बाद एक रीड रिचर्ड्स होंगे जिनको प्रोबेबली जॉन क्रासिंस्की प्ले कर सकते हैं, कैप्टन कार्टर जिनको हमने मार्वल की व्हाट इफ में देखा था, और अगर कोई बचता है तो एक आध मेंबर होगा। हालांकि इस पूरे सीन में हम लोगों ने 6 कुर्सियां देखी थी और मैंने आपको 6 मेंबर्स बता दिए हैं एंड कॉमिक बुक्स में भी 6 मेंबर्स ही होते हैं, तो 7वीं कुर्सी अगर छुप गई है तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो 6 मेंबर्स ही होंगे। लेकिन आप इनको मेन इल्यूमिनाटीज मत समझना, ये बस उनके एक ऑल्टरनेट अर्थ वाला वर्जन है जिसको देख करके मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स मतलब जो मेन मार्वल यूनिवर्स है उसमें इल्यूमिनाटीज क्रिएट होंगे आगे जाकर। ये सिर्फ एक टेम्पररी वर्जन है जिनके पास वांडा आकर प्रोबेबली उनके काम भी डाल देगी। और इस पूरे ट्रेलर को देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि टॉम क्रूज के आयरन मैन ने अपने अल्ट्रॉन बॉट्स भी क्रिएट कर लिए हैं जो बहुत ही खतरनाक टाइप के लग रहे हैं। ऊपर से सुपीरियर आयरन मैन का जो पूरा कंसेप्ट है उसको सुनकर ये समझ में आ रहा है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। 3-3 इन्फिनिटी स्टोन्स, बेंगू की खोपड़िया एक जार के अंदर मतलब। और इन सब चीजों के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो वो भी पूछ लेना, उनको शॉर्ट्स वॉर्ट्स में कवर कर लेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, मैं बोलता रहता हूं लेकिन करना नहीं है, 900 छोड़ो। और हाँ, स्टीफन किंग की ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस और इसी के जैसी और भी कई सारी ऑडियो बुक्स कुकू एफएम पे जाके सुनना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 50% ऑफ के लिए होली 50 कोड यूज करना मत भूलना, सिर्फ 20 मार्च तक वैलिड है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Get him!